हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स माउथ पार्ट्स के बारे में। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपने अगर मेरी पुरानी लेक्चर्स नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो इंसेक्ट माउथ होता है वो इंसेक्ट का एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब इंसेक्ट के बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है। वो हेड कैप्सूल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मीन्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस। जो इंसेक्ट का माउथ होता है वो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स से यानी पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम माउथ पार्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला और लैबियम। अलग अलग इंसेक्ट्स में ये जो चार जो माउथ पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड हैं उनके फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे। ठीक है, इन सब के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन अभी मैं इनके बारे में ब्रीफ बताता हूँ। जो कोई भी इंसेक्ट्स होता है उनमें जो ये माउथ पार्ट है वो चार ही होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी क्या क्या उनके नाम है, ये याद रखना है, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड लैबियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैब्रम के बारे में। लैब्रम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिप। इंसेक्ट का ये क्या होता है, अपर लिप होता है। ये क्या है, फ्यूज्ड स्क्लेरेट है। स्क्लेरेट क्या होता है, मैंने बताया था कि जो हेड होता है इंसेक्ट का या फिर पूरा बॉडी होता है वो एक्सोस्केलेटन यानी क्यूटिकल से ढका होता है। तो उनका जो हेड पे जो मॉडिफाइड एक्सोस्केलेटन है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेट। यानी जो लैब्रम है, अपर लिप है, वो मॉडिफाइड स्क्लेरेट है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हेड जो स्क्लेरेट है वो पाँच टाइप के, पाँच स्क्लेरेट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक होता है क्लाइपियस। ठीक है, तो क्लाइपियस का जो एक्सटेंशन है वही क्या बनाता है, लैब्रम बनाता है। यानी कह सकते हैं कि जो लैब्रम जो पार्ट है, माउथ पार्ट है, वो अटैच होता है क्लाइपियस से। ठीक है, सेकंड है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, इसको हम लोग जॉज कहते हैं यानी जबड़ा। तो इनका नंबर कितना होगा, दो होगा, यानी दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। दे आर हाईली स्क्लेरोटाइज्ड। स्क्लेरोटाइज्ड कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्यूटिकल का डेंस लेयर होता है और ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। यानी इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जॉज का भी फंक्शन क्या होता है, कटिंग करना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सिमिलर जिस तरीके से मैमल्स में काम करता है जॉज, यानी बाइटिंग के लिए, चीविंग के लिए, वही काम इंसेक्ट में भी करता है मैंडिबल। ठीक है, उससे पहले जो थर्ड है हमारा मैक्सिला, उससे पहले बढ़ने के पहले मैं डायग्राम से इस चीज़ को दिखाता हूँ। ये रहा हमारा जो वॉयलेट कलर है वो क्लाइपियस है। क्लाइपियस क्या होता है, जैसे मैंने जस्ट बताया, स्क्लेरेट है हेड का। ठीक है, उससे अटैच होता है ये ब्लू पार्ट जो है लैब्रम। और जो सेकेंड इमेज है यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये रहा क्लाइपियस और उससे ये रहा लैब्रम। ये मैंने डिफरेंट माउथ पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये दोनों साइड रहे मैंडिबल यानी जो जॉज हैं पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये रहा लैब्रम यानी अपर लिप, ये रहा लोअर लिप। ठीक है, और ये रहा दो मैक्सिला। ठीक है, इसमें अभी मैं आगे बताऊंगा पैल्प्स। तो ये जो निकले हुए ना सेगमेंटेड पैल्प्स, इन्हीं को कहते हैं, ये जो निकले हुए हैं। और देखो हमारा इसमें भी पैल्प निकला होता है, यानी लैबियम में और मैक्सिला दोनों में पैल्प पाया जाता है। ठीक है, हमारा जो थर्ड पार्ट है, माउथ पार्ट है, वो होता है मैक्सिला। मैक्सिला क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिनको अगर हम नंबर मतलब ज़्यादा में अगर बोले तो मैक्सिला बोलेंगे, और अगर सिंगुलर फॉर्म में बोले तो मैक्सिले बोलेंगे। MAXILLA, मैक्सिले, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। ये जो है बॉडी के राइट एंगल पे मूव करता है। ठीक है, दे हैव सेगमेंटेड पैल्प्स, जैसे अभी मैंने डायग्राम पे बताया था कि उनमें सेगमेंटेड पैल्प्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो है लैबियम, जिसको हम कहते हैं लोअर लिप। ठीक है, इट इज़ अ फ्यूज स्ट्रक्चर डैट मूव्स लॉन्गिट्यूडनली टू द बॉडी एक्सिस। मतलब ये बॉडी एक्सिस के कैसे काम करता है, लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, इट ऑल्सो दे आर ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब इसका क्या हो गया कि जो लैबियम भी है वो भी क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इनका जो कंपोनेंट होता है वो भी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनमें ये जो मॉडिफिकेशन इन चार माउथ पार्ट्स के वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट देख सकते हैं, सकिंग में कुछ अलग टाइप होगा, लैपिंग में कुछ अलग टाइप होगा, और चिविंग में कुछ अलग टाइप होगा। ये फर्स्ट हो गया बटरफ्लाई, सेकेंड बी, और ये बीटल। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट। तो जो इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट का मॉडिफिकेशन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो ब्रॉडली ये दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट मैंडिबुलेट और दूसरा हॉस्टिलेट। मैंडिबुलेट क्या हो गया, ऐसे माउथ पार्ट जो हेल्प करते हैं किसमें, चीविंग ऑफ फूड में, बाइटिंग ऑफ फूड में। ठीक है, यानी इनका जो मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट उनमें पाया जाएगा जो सॉलिड फूड को खाते हैं। और हॉस्टिलेट मीन्स क्या हो गया, जो लिक्विड सैप हो गया या फिर ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, यानी दो तरह का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है माउथ पार्ट का, मैंडिबुलेट और दूसरा हॉस्टिलेट। तो मैंडिबुलेट का क्या बोलेंगे इसमें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड यूज फॉर बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड फूड। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये टर्माइट में, ड्रैगन फ्लाइज में, बिटल्स में, एंट्स में, कॉकरोचेज, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स। कैटरपिलर एक ऑर्डर लैपिडोप्टेरा से आता है, और लेकिन एडल्ट लैपिडोप्टेरा को देखेंगे तो उसमें सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो है वो है हॉस्टिलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट।
ऑस्टुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट कहने का क्या मतलब है कि ये जो माउथ पार्ट है वो सकिंग ऑफ लिक्विड के लिए मॉडिफाइड है, ठीक है। ये भी देखें तो दो तरीके का होता है, किस बेसिस पे, कि उनके पास स्टाइलेट है या फिर स्टाइलेट नहीं है। स्टाइलेट क्या होता है, एक नीडल लाइक प्रोजेक्शन है जो हेल्प करता है इंसेक्ट को प्लांट या फिर एनिमल टिश्यू में पेनिट्रेट करने में, ठीक है। जो स्टाइलेट है वो मॉडिफाइड है, यानी मॉडिफाइड माउथ पार्ट है, किसका, मैंडिबल का, मैक्सिला का और हाइपोफेरिंक्स का। जो ये तीन मिलके स्टाइलेट तो बनाते ही हैं और साथ साथ फीडिंग ट्यूब, जो इंसेक्ट का फीडिंग ट्यूब होता है उसका ही फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला तो हो गया स्टाइलेट, जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो में हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है नॉन स्टाइलेट माउथ पार्ट। नॉन स्टाइलेट माउथ पार्ट कहने का मतलब है कि उनमें स्टाइलेट नहीं पाया जाएगा, स्टाइलेट नहीं तो वो टिश्यू को पर्च नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो फीडिंग हैबिट होता है वो फूड सोर्स किसका यूज़ करते हैं, फ्लावर नेक्टर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बटरफ्लाइज और मॉथ्स में, ठीक है। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है हॉस्टलेट टाइप का वो फिर तीन तरीके का होता है, पहला पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, दूसरा सिफनिंग टाइप और स्पॉन्जिंग टाइप। तो ये इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। अगला मैं एक इमेज से यहाँ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो इमेज दिया हुआ है दो इंसेक्ट्स का, सिमिलर यहाँ पे माउथ पार्ट्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और जो अगला जो हमारा ये है स्लाइड है, उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं मॉस्किटो के स्टाइलेट को, ठीक है, जो हेल्प करता है उनको पर्स करने में एनिमल टिश्यू में, ठीक है। और जो सेकंड ये डायग्राम है, इमेज है, इसमें फर्स्ट जो है इंसेक्ट का हेड वो चीविंग टाइप है, इसमें हम आगे देख सकते हैं, ठीक है, ये बाइटिंग एंड चीविंग के लिए, जैसे ग्रास ऑफर फॉर एग्जांपल। और दूसरा जो ये तीन है, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, सिफनिंग एंड स्पॉन्जिंग टाइप, ये तीनों जो टाइप होते हैं ये लिक्विड फूड के लिए है, और ये लिक्विड फूड यानी हॉस्टलेट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारा कल का लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 7, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माउथ पार्ट के इन डिटेल में, यानी बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के डिटेल्स के बारे में, चीविंग, लैपिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग, सिफनिंग, मास्क टाइप, डीजनरेट टाइप, सारे लेक्चर्स को आगे हम पढ़ेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को इस लेक्चर में दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकता है या फिर कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, और किसी को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।